हे गाइस, वेलकम बैक टू माय सेकंड चैनल। दोस्तों फाइनली हम लोग लोकेशन पे पहुंच गए, यहाँ पर हमारा बाइक पार्क कर लिया। तो इस तरफ एक छोटा सा शॉप है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है द गेटवे रिजॉर्ट। और आप देख सकते हो यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है एंड काफ़ी सारा मस्त मस्त चीज़ें हैं। आप लोग बने रहो हमारे साथ पूरे ब्लॉग में एंड तक, और काफ़ी सारा चीज़ें हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। एंड चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करो यार। और मेन चैनल पर एक्टिव गिवअवे भी चल रहा है इंस्टाग्राम फॉलोअर्स का, जाकर पार्टिसिपेट कर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो हेलो गाइस, कैसे हो दोस्तों, वेलकम बैक। एंड सफ़र शुरुआत है यहाँ से, करीमगंज से लगभग 7 या 8 किलोमीटर की दूरी पर है ये रिजॉर्ट। करीमगंज मेन टाउन में नहीं है, टाउन से थोड़ा आगे जाकर, हमें भी पता नहीं था कहाँ पर है ये, गूगल लोकेशन पे सर्च किया था लेकिन नहीं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर। तो करीमगंज सिटी से सेटलमेंट की तरफ जाकर यहाँ पर काली मंदिर है, उसके बाद एक पंद्रागढ़ करके एक जगह का नाम है, वहाँ पर भी जाके ढूंढा लेकिन यहाँ पर नहीं मिला। रास्ते में किसी से भी पूछा, एक टुकटुकी ड्राइवर से भी पूछा ये रिक्शा वाला से, लेकिन उनको भी नहीं पता था यार आखिर ये हमारे साथ क्या हो रहा है। हम लोग कुछ चिंतित हो गए, सच में ये यहाँ पर है या नहीं। ये रिक्शा वाले से पूछा, फिर एक आदमी से भी पूछा, भाई एनिग्मा रिजॉर्ट्स का है, इनको भी नहीं पता क्या करें यार। फिर मैंने एक दोस्त से फ़ोन किया, मेरे एक दोस्त के साथ फ़ोन पे बात हुआ, तो उसने बोला बेटे तुम सही जा रहे हो, थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा आगे जाकर किसी से पूछोगे तो डेफिनेटली तुम्हें मिल जाएगा लोकेशन, इनको पता होगा, क्योंकि यहाँ पर करीमगंज के आसपास नहीं है, इसीलिए करीमगंज के आसपास के जो लोग हैं इनको नहीं पता भी है, और ये न्यू है ना इसीलिए। तो सामने जाकर एक ऑटो रिक्शा वाला मेरे को मिला, उनसे पूछा, तो इसने बोला भाई हम भी यहाँ पर जा रहे हैं, भाई हम भी यहाँ पर जा रहे हैं, अगर आपको जाना है तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। तो यही है वो ऑटो रिक्शा वाला, तो इसको फॉलो करते करते चलते चलते जाते जाते और गया जा रहा हूँ अभी भी। लेट्स फॉलो द ऑटो रिक्शा, देखते हैं आगे जाकर। तो भाई सब लेफ्ट जाने के लिए इंडिकेट कर रहे हैं, तो फिर चलते हैं यार मेन रोड से लेफ्ट, एक छोटा सा रोड है उसकी तरफ, एंड आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ पे है। अरे भाई रुक गए क्यों, इतने जल्दी आ गए क्या? नहीं, इनको पैसेंजर लेना है। ओके पैसेंजर भी ले लो, हम लोग भी वेट करते हैं। चलो फिर चलते चलते यार बहुत दूर आ गया। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रिज भी है, छोटा सा नदी है उसके नीचे, और ये जो रास्ता है काफ़ी डस्ट से भरा हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। रास्ते में बकरियाँ भी है और क्या क्या ना जाने क्या क्या नहीं देखने को मिला हम लोगों को। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर ये भी रुक गया, तो पीछे मुड़ के देखा भाई ये एक पैसेंजर को यहाँ पर उतर रहा है, फिर ये आएगा, तो चलो हम लोग थोड़ा रोकते हैं और उसके साथ ही चलते हैं यार। गाइस अगर आप लोग भी करीमगंज से यहाँ पर जाना चाहते हो तो करीमगंज से किसी एक ऑटो रिक्शा को पकड़ लेना, या तो अगर आपके पास प्राइवेट कार या बाइक है तो अच्छा रहेगा, और बिल्कुल भी अकेला मत जाना यार, क्योंकि यार इतने दूर आ चुका हूँ हम लोग। और मेरे को एक बार ये लगा अंदर ही अंदर, मेरे पीछे जो दोस्त है उसने भी बोला यार ये ऑटो रिक्शा वाला शायद अपने घर ले जा रहा है, और हम लोगों का आज शायद आखिरी दिन होगा रिजॉर्ट जाने का। किडना विडना ऐसा कुछ ख्याल आ रहा है, मतलब डर लग रहा है, इतना दूर यार, कहाँ कॉन्वेंस टाउन और कहाँ ये गाँव बस्ती, बहुत दूर है। और कितने दूर जाना पड़ेगा, और यहाँ पर फिर से रुकने वाला है ये ऑटो वाला, ये थर्ड टाइम रुका। तो यहाँ पर ड्राइवर से हमने पूछ लिया भाई और कितना दूर, तो इन्होंने बताया सामने जाकर राइट लेना है,
कुछ लोग देख रहा हो रास्ता में, तो डर और जा रहा है। और यहाँ पर है ये, तो यहाँ से राइट लेना है और उससे आगे जाकर, और ज़्यादा दूर नहीं शायद। अरे भाई जाने दे इनको, इतना जल्दी में है ये लोग रास्ते में। हमारा थोड़ा मजबूरी है अभी, हम ऑटो को फॉलो कर रहे हैं, वरना इनको हम दिखा देते हम भी कितना तेज चला सकते थे। और गाइस ये टर्निंग थोड़ा स्लो मोशन में, बिल्कुल आसपास देख रहे हो कितने टास्ट, अगर थोड़ा भी हिल गया तो जान से जाओगे भाई। यार मुझे लगा ऑटो वाला फिर से यहाँ पर रुक गया इरिटेटेड, लेकिन नहीं, ऑटो वाला भाई साहब इतना अच्छा है, यहाँ पर रुक के हम लोगों को बताया भाई यहाँ पर है रिसोर्ट। थैंक यू सो मच ऑटो वाला को दिल से भाई। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं लोकेशन पे, और यहाँ पर हमारा बाइक पार्क कर लिया हमने, और चलते हैं आगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर है उसका जो मेन गेट रिसोर्ट की तरफ, और ये इसका साइन बोर्ड आप लोग देख सकते हो, यानी कि माँ कैफे एंड रिजॉर्ट। तो हम लोग जा रहे हैं मेन गेट की तरफ, और सामने एक स्टॉल भी है। एंट्री फीस कितना है भाई? ये दोनों भाई साहब की तो फेस फुल लोडेड है, गन से नहीं पान से। तो हम लोगों ने यहाँ से टिकट, दो टिकट लिया, और एंट्रेंस का टिकट लेकर एंटर कर दिया फाइनली। और यहाँ पर जो एंट्रेंस का टिकट है, इनका कुछ एडवांटेजेस है, आगे जाकर आपको पता चलेगा, तो प्लीज़ आगे तक बने रहो वीडियो पे। मीन्स यहाँ का एंट्रेंस टिकट का प्राइस है 50 रुपीज़। अगर आप लोग अंदर जाके रेस्टोरेंट में कुछ खाओगे या पियोगे तो उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ये वाला 50 रुपीज़। तो ये एक बढ़िया सा एडवांटेजेस है, आगे जाकर देख लेना, हम लोग भी कुछ खाएंगे और टिकट का डिस्काउंट यहाँ से कटवाएगा। वाटरफॉल है, जूतों नहीं है प्रवेश कर बैठना, इतना तो कौन से सहन हमारे पास। हिंदी में तो बांग्ला में तो असुविधा ना है, नो प्रॉब्लम भाई। इधर एरिया वो तो कुछ नहीं, एरिया वो तो कुछ नहीं, रेट तो आसमान जो रहा है। क्वांटिटी दे बाबू फुल, तो 2 माइल हाफ हाफ फुल हमरा हवार बंद सुन रहा है, फुल एकदम ले लीजिए ना, क्या लग रहा है क्या प्लेट में हाफ हाफ लग रहा है, हाफ कोई बेटा ये प्यारे जी। तो यहाँ पर सबसे पहले बिल पे करना है, उसके बाद जाके कुछ खाना। तो बिल पे करके ऑर्डर कर दिया हम लोगों ने, 100 रुपीज़ पहले से यहाँ से माइनस हो गया, डिस्काउंट जो एंट्रेंस का था वो हो गया, और बाकी जो रहा वो यहाँ पर पे कर दिया। तो अभी हम लोग कुछ खाएंगे सबसे पहले, क्योंकि यार सुबह से निकला घर से, और इतना दूर जाके अब जाके पहुँचा, तो पेट तो ऐसे ही खाली हो चुका है बाइक से जाने के, इसी वजह से। तो यहाँ पर कुछ खाएंगे, उसके बाद घूमेंगे, उसके बाद फोटोशूट करेंगे, उसके बाद फिर क्या, अलविदा।
टोटली मेड बाई बेम्बो। यार देख सकते हो आप लोग, बिल्कुल अमेजिंग लुक्स है। ऑसम यार, कितना अच्छा लग रहा है, कितना बिल्कुल देसी लुक्स है। बेम्बो से बनाए गए हैं। और यहाँ से इसका आउटसाइड व्यू देखो, रेस्टोरेंट का बाहर फाइनली आ चुके हमारे सामने हमारा डिश। खत्म। सो हो गया खाना पीना, अब बाहर चलते हैं कुछ फोटोशूट्स। एंड यहाँ पर रील्स भी बन रहा है लेकिन रील्स अपलोड नहीं हुआ अभी तक, अपलोड होगा भी नहीं। मौज मस्ती चल रही है, छोटा सा स्विमिंग पूल है, इसमें अभी पानी नहीं है, पानी नहीं डाला गया। और यहाँ पर लोग आ रहे हैं, सेल्फीज खींच रहे हैं कि लाइक साथ में कोई नहीं, क्या करे यार, खुद ही सेल्फी लेना पड़ता है। और ये एक बाहर में एक छोटा सा शेड है, यहाँ पर बैठने के बाद अलग सा फील आता है, बाहर का हवा लगता है, साउंड बॉक्स भी है। ये क्या कर रहे हो भाई, कैसे हो भाई, क्या रहे हो? चलो यार, क्या चल रहा है? उल्टिया बोल पाया ना, धीरे धीरे उल्टिया हो रहा, सुन पत्तो सेकंड है इसे। भाई साहब रोहित का हुई दम मारो मारो मारो। तो यही था। एंड यहाँ पर कुछ स्टॉल्स भी है, आप लोग यहाँ पर दो चार फ्रेंड्स के साथ बैठ के यहाँ पर पबजी भी खेल सकते हो हमारी तरह। देखो यहाँ पर काफ़ी बाहर का हवा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। एंड गोवा बीच वाला भी फील आ जाता है कभी कभी, जैसे कि आप किसी समंदर के बीच में हो, बीच वाला फील भी आप यहाँ पर ले सकते हो बिल्कुल फ्री में, धूप में बैठ के। तो गाइस कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ एंड खाना पीना सब कुछ हो गया, तो यहाँ से हम लोग अभी निकल चुके हैं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक करो और कमेंट करो अपने दोस्तों के साथ, शेयर करो। चैनल पर न्यू तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग यहाँ पर गए हो तो आपका कैसा फीलिंग रहा होगा, यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो आपका फीलिंग। एंड अगर आप जाने वाला हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, कब जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो। एंड यहाँ से हम लोग अभी निकल गए। सो एनीवे गाइस, मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बी सेफ। टाटा बाय बाय।